समर स्पेशल चॉकलेट कोको ड्रिंक। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चॉकलेट कोको ड्रिंक की रेसिपी लेके आई। तो कोल्ड कोको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक गिलास दूध ले ली हूँ और ये देखिए, ये दूसरा गिलास दूध ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। तो ये देखिए, दूसरा गिलास दूध ले रही हूँ। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा। ये चॉकलेटी होता है और गर्मी में तो बहुत ही राहत देता है और एकदम मज़ेदार लगता है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पे मैंने ये दूध रख दिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे, ये कोल्ड कोको ड्रिंक है तो यानी कोको पाउडर। तो इसमें मैं देखिए 2 चम्मच, आपको पास से दिखा रही हूँ, 1 चम्मच डाला है और ये दूसरा चम्मच मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा यही दूध लेंगे, हल्का सा गुनगुना दूध है, और इसको हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। ये गुजरात की फेमस ड्रिंक है और ये अक्सर आप देखे होंगे, ठेले वाले अक्सर इसको बनाते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। लेकिन आप अपने घर पे बनाइए कोको ड्रिंक तो ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा दूध मैंने और ले लिया है ताकि इसमें जो लम्स ना पड़े, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसको डायरेक्ट कढ़ाई में भी अच्छे से फेंट सकते थे, तो मैंने यहाँ पर बाउल में ही फेंटा है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस कोको पाउडर में आपको एकदम लम्स नहीं पड़ना चाहिए। और अब हम इसमें देखिए, आपको दिख रहा होगा इस बाउल में थोड़ा सा कोको पाउडर लगा हुआ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और हल्का सा गुनगुना दूध ले लूँगी और इसको हम फिर से फेंटेंगे। अगर बच्चे दूध नहीं पीना पसंद करते तो आप इस तरह का कोल्ड कोको ड्रिंक बना के दीजिए, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। एकदम ये चॉकलेटी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चों को क्या, ये बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर बहुत गर्मी पड़ रही है, आप उन्हें इस तरह का ड्रिंक दीजिए तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो बस देख, तो इसको गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते हैं, तो कॉर्नफ्लोर की जगह आप मिल्क पाउडर डालिए, ये गाढ़ा होता है और हेल्दी होगा। तो बस देखिए, मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी। तो गैस का फ्लेम आपको मैंने बताया कि हाई नहीं है, लो है। गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर दे रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार कोल्ड कोको ड्रिंक होता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो बस देखिए, चीनी डाल के आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो आपने इसमें देखिए मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और ये अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो आप इसको पका लीजिएगा। तो 2 से 3 मिनट तक लगते हैं कॉर्नफ्लोर पकने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है और इसको चॉकलेटी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। तो अभी हम देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको ये जो मिल्क पाउडर है इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि कहीं भी गुठलियाँ ना रहें। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। इतना अच्छे से आपको ये मिल्क पाउडर को मिला लेना है। तो मैंने बताया कि अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पर देखिए डेरी मिल्क के चॉकलेट लिए हैं 2, और इसी को हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो डार्क चॉकलेट से इसका कलर बहुत ही अच्छा डार्क आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डेरी मिल्क डाल दिया है इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए। और इसको बस इतना पकाना है कि ये जो चॉकलेट है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी इसमें चॉकलेट के बहुत सारे टुकड़े हैं, तो इसको देखिए, मैंने हमेशा बताया है गैस का फ्लेम हमको लो रखना है, लो फ्लेम में आपको अच्छे से पकाना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और नीचे लगातार चलाते रहना है ताकि ये चॉकलेट जो है नीचे ना लगे, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आएगा। तो ये सब चीज़ों का, ये कोल्ड कोको ड्रिंक बनाने के समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। ये सब आपको लगातार अच्छे से ये
चॉकलेटी कोल्ड कोको ड्रिंक आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी भी चॉकलेट के कुछ टुकड़े हैं जो अच्छे से नहीं मिले हैं, तो इसलिए हम इसको लगातार कलछल से दबाते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कोल्ड कोको ड्रिंक बनता है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही धीरे धीरे ये काफ़ी थिक हो चुका है और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, आपको मैंने बताया कि आपको लगातार इसको अच्छे से बस इतना आपको इसको मिलाना है कि जो आपने चॉकलेट डाला है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो एक बॉयल आपको इतना पकाना है, क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। तो बस ये एक बॉयल आने तक आपको इसको अच्छे से पका लेना है। तो अब देखिए, ये इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। और बस जब ये इतना अच्छे से इस तरह से अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप इसको अच्छे से चला लीजिए 1 मिनट तक। बस 1 मिनट तक अच्छे से मिला लीजिए। और अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और बंद करके और इसको हम ठंडा करेंगे। तो बस देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको इस तरह से हम ठंडा करेंगे। बहुत ही चॉकलेट और बहुत ही मज़ेदार ये कोल्ड कोको ड्रिंक बनता है। और इसको और ठंडा करने बनाने के लिए हम यहाँ पर आइस क्यूब लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत सारी आइस क्यूब ले ली है और अब हम इसको कूटेंगे। तो आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी डाल के आप इसे कूट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बेलन से इसकी कुटाई करूँगी। तो देखिए, मैं इसको सारे आइस क्यूब को ऐसे बेलन से तोड़ लूँगी। तो बस देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से कूट के रेडी हो चुका। तो आप चाहें तो मिक्सर में भी इसको कूट सकते हैं। और ये देखिए, ये कोको जो ड्रिंक है ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, कितना गाढ़ा हो चुका है ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसका कलर और टेक्सचर इसका बहुत यम्मी दिखता है, ऐसा लगता है कि हम चॉकलेट को पी रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें बहुत सारी शाइनिंग आ चुकी है। और अब इधर देखिए, एक बड़ा ग्लास लेना है आपको और इसमें आपको खूब सारी आइस क्यूब डाल देनी है। तो ये देखिए, आपको खूब भर के आइस क्यूब डाल देनी है, मतलब आधा ग्लास आपको आइस क्यूब डालना है और आधा कोको ड्रिंक। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये कोको ड्रिंक होता है, चॉकलेटी। तो बस आपको इसको बहुत ही अच्छे से फिल कर लेना है। तो देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये कोको ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है। और बस आपको देखिए इसको फेंटना है। तो फेंटने के लिए मैं इसको फोक की सहायता से बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करूँगी ताकि बर्फ़ जो है पिघल जाए और एकदम चॉकलेटी ये बने। तो इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और ग्लास के चारों तरफ हम लगा देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट को भी मेल्ट करके लगाया है और ये देखिए, मैंने दोनों ग्लास पे अच्छे से लगा लिया है। और अब हम जो ये कोको ड्रिंक बनाए हैं ग्लास में, इसको हम डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट कोको ड्रिंक होता है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आई होप कि आपको चॉकलेट कोको ड्रिंक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।